नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएल न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जौहर विश्वविद्यालय और मोहम्मद आजम खान के खिलाफ जारी उत्पीड़न की कार्यवाही के विरोध में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा 12 मार्च 2021 को रामपुर से प्रारंभ हुई, जो 19 मार्च 2021 को नेता विरोधी दल विधान परिषद अहमद हसन और नरेंद्र वर्मा विधायक सीतापुर में हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्राओं को लखनऊ के लिए रवाना किया। लखनऊ के इटौंजा में टोल प्लाजा पर सबसे पहले साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद इटौंजा क्रॉसिंग, अर्जुनपुर क्रॉसिंग, देवरी रुखारा, चंद्रिका देवी रोड, एयरपोर्ट रोड और अस्थि रोड क्रॉसिंग रोड पर साइकिल रैली का पुनः भव्य स्वागत किया गया। वहीं आज रात मिलन लॉन, अस्थि रोड पर सभी साइकिल यात्री विश्राम करेंगे और सुबह 7 बजे प्रदेश कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं इस मौके पर साइकिल यात्रा में रामपुर के सभी पदाधिकारी और लखनऊ जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत, महिला जिला अध्यक्ष प्रेमलता बख्शी काताला, पूर्व विधायक गोमती यादव और प्रदेश सचिव संजीव यादव और अन्य पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।